हेलो गाइस, मैं हूं अमित भाई। आपको पता है कि जो एक इन्वर्टर होता है ये चलता है एक 12 वोल्ट बैटरी पे, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। देखो कितना बड़ा इसका साइज है। लेकिन आज हम लोग इन्वर्टर को चलाने की कोशिश करेंगे एक छोटी 9 वोल्ट बैटरी के साथ में, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। कितना साइज का साइज है, तो देखते हैं कि इन्वर्टर पावर हो पाएगा नहीं। बहुत सारी बैटरीज को सीरीज में, पैरेलल में, जैसे भी हुआ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और कुछ डिवाइसेज जैसे कि भाई एक बल्ब को और CFL को लाइट अप करने की ट्राई करेंगे। और आप लोग नीचे जो लाइक का बटन है उसको जल्दी से ठोक दीजिए, क्योंकि भाई हमको मिलता है सपोर्ट, मोटिवेशन आपके लाइक से। तो फटाक से शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो इसकी जो बैटरी है उसको यहां से हटा लेते हैं, ताकि इसको पावर यहां से ना मिले। तो भाई यहां पर हमारे पास में है 30 9 वोल्ट बैटरी, लेकिन जो इन्वर्टर है वो चलता है 12 वोल्ट पे। तो भाई 9 वोल्ट तो कम पड़ जाएगा। क्या करेंगे कि दो 9 वोल्ट को जब जोड़ते हैं ना सीरीज में, तो 18 वोल्ट हो जाता है। तो हम लोग भाई दो दो के पेयर्स बनाएंगे, 18 वोल्ट के ऊपर इन्वर्टर को चलाएंगे, यानी कि दो बैटरीज मिलकर एक 18 वोल्ट बन गई, तो सभी के 15 पेयर्स बनेंगे और उनको कनेक्ट करते हैं फटाक से। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ दो बैटरीज को कैसे जोड़ना है। देखो इनके जो टर्मिनल्स होते हैं ना, ये आपस में कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाते हैं सीरीज में, और हमें इस तरीके का एक टर्मिनल लेना है और इसको लगा देना है भाई यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा लगा देना है इस वाले एंड पे। भाई यहाँ पर जो पूरा सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। इनके टर्मिनल जो थे वो छोटे वायर्स के थे, इस वजह से एक ढेर सा लग गया, लेकिन मेरी बात मानो ये दोनों इसके टर्मिनल्स हैं और यहाँ पर फाइनल वोल्टेज आ रहा है। और भाई आपको इन्वर्टर दिखाना चाहूँगा। देखो ये इन्वर्टर का पीछे का हिस्सा है जिसमें से पावर निकलती है और यहाँ से पावर जाती है। देखो और ये जो दोनों वायर्स हैं ये बैटरी में लगते हैं, इसके अलावा इसमें कोई भी देखो वायर नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी झोल नहीं है। तो भाई फाइनली यहाँ पर सब कुछ कनेक्ट हो चुका है। ये है इन्वर्टर का पावर का वायर और यहाँ पर है भाई दोनों टर्मिनल्स। तो अब जो मोमेंट ऑफ ट्रुथ है वो आपके सामने आने वाला है। एक बार इन दोनों को देखो टच करके आपको दिखाना चाहूँगा। देखो यहाँ पर हल्का सा स्पार्क होता है। तो अब करते हैं इन्वर्टर को ऑन और यहाँ बीच वाली बत्ती जल जाएगी, UPS ऑन वाली। और भाई अब एक CFL को टेस्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता ये कितना देर जल पाएगा, बट यार अगर ये थोड़ा सा भी जल पाया तो हमारा आइडिया तो सक्सेस हो गया। इन्वर्टर खुद भी बहुत लोड लेता है, उसको ये छोटी छोटी बैटरीज उठा पा रही हैं। तो मैं आपके सामने इसको स्टार्ट करूंगा इन 3 2 1। ये लो, और CFL जली थी सिर्फ एक छोटे से मोमेंट के लिए। उसके बाद में जो बैटरीज हैं वो शायद इतना करंट नहीं दे पाई, CFL बंद हो गई। एक बार फिर से जलाते हैं इसको, देखो जलेगी, ये लो। लेकिन यार कितना अमेजिंग है कि इन छोटी छोटी बैटरीज की मदद से जो CFL है वो एटलीस्ट उठ पा रही है। तो भाई आपने देखा कि ये जो बैटरीज हैं ये हमारे इन्वर्टर को स्टार्ट तो कर पा रही हैं, बट ज़्यादा पावर नहीं दे पा रही। और भाई हो सकता है इन्वर्टर जो है वो इतना पावर खा रहा है कि वो आगे उसको नहीं भेज पा रहा, या फिर उसके जो ट्रांसफॉर्मर्स है वो ज़्यादा हैवी लोड के लिए ही काम करते हैं। लेकिन CFL को एक बार जला जरूर रहा है, तो ये भी यार बहुत मजे वाली ही बात थी। तो अगर आपको इस वीडियो में आया मजा तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वो लाइक का बटन जल्दी से ठोक दो यार प्लीज़।